इस मानव सभ्यता को इतिहास ने कई अनेकों ऐसी किताबें दी हैं जो उन्हें आगे के जीवन के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में काम करती है। ये किताबें अलग अलग जाति, धर्म और संप्रदाय को मानने वाले लोगों के लिए उनके जीने का फलसफा है। हमारे अतीत से जुड़े ये किताबें आमतौर पर हमें ज्ञान, उपदेश या जीवन के रहस्यों के बारे में बताती हैं। लेकिन इन पवित्र किताबों के अलावा इस दुनिया में कुछ किताबें ऐसी भी हैं जिन्हें बेहद रहस्यमय और खतरनाक माना जाता है। उन रहस्यमय किताबों के बारे में माना जाता है कि इन किताबों में अनेकों ऐसी बातें लिखी गई हैं जिन्हें इंसान ना ही जाने तो उसके लिए ठीक होगा। आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही एक रहस्यमय किताब के बारे में जानेंगे जिसका नाम है कोडेक्स जिगास। इस किताब को डेविल्स बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। इस किताब को लेकर मान्यताएं ऐसी हैं कि ये किताब 13वीं शताब्दी में एक बेनेडिक्टाइन मठ में सन्यासी द्वारा लिखा गया था। बताया जाता है कि इस सन्यासी ने अपने कम्युनिटी के कुछ महत्वपूर्ण नियमों का उल्लंघन किया था, जिसके कारण बोहेमिया के राजा ने इस सन्यासी को दीवारों में चुनवा देने का आदेश दिया था। लेकिन दीवार में चुनवाए जाने के वक्त उस सन्यासी ने अपने राजा के समक्ष एक प्रस्ताव रखा। सन्यासी का प्रस्ताव था कि यदि राजा उसकी जान नहीं लेता है तो बदले में वो सन्यासी उस राजा को एक ऐसी किताब लिखकर देगा जिसमें दुनिया का सारा ज्ञान मौजूद होगा। राजा ने उस सन्यासी की शर्त को मान लिया और उसकी जान बख्श दी तथा उस सन्यासी को इस किताब को लिखने के लिए सारे जरूरी सामान दिए और साथ में यह भी शर्त रखी कि ये किताब एक ही रात में पूरी होनी चाहिए। लेकिन एक ही रात में एक ऐसी किताब को लिखना बेहद ही नामुमकिन था। तब उस सन्यासी ने अपने ज्ञान से शैतानी मंत्रों द्वारा शैतान का आवाहन किया और शैतान से अपनी आत्मा का सौदा किया तथा सौदा हो जाने के बाद उस शैतान ने सन्यासी द्वारा उस किताब को लिखने में मदद की। बताया जाता है कि इस किताब की लंबाई 36 इंच, चौड़ाई 20 इंच और यह किताब लगभग 8.5 इंच मोटी है। शुरुआत में इस किताब में 320 पेज थे। इस किताब के पन्नों के लिए घोड़ों और गधों की चमड़ी का इस्तेमाल किया गया था। इस किताब का वजन लगभग 34 किलोग्राम के आसपास है और इस किताब को बनाने में अनेकों तरह की शिल्पकाराएं की गई हैं। इस किताब के बारे में कहा जाता है कि यह किताब मध्यकालीन युग की सबसे बड़ी हस्तियों में से एक है। इसके बारे में बताया जाता है कि इसमें बाइबल के अनेकों अंशों और उपदेशों को लिखा गया है। लेकिन इस किताब के कुछ पन्नों को पलटने के बाद शैतान की एक 19 इंच लंबी तस्वीर आपको दिखाई देगी। इस किताब में शैतान को असली रूप में दर्शाया गया है। शैतान की इस तस्वीर के बाद कुछ पन्नों को पलटने पर आपको अजीब तरह के क्रियाकलापों और कर्मकांडों का जिक्र किया गया है। इन क्रियाकलापों और कर्मकांडों के बारे में बताया जाता है कि ये तांत्रिक क्रियाएं हैं जिनके द्वारा शैतान से संपर्क किया जा सकता है। इस किताब के बारे में ऐसा माना जाता है कि इसमें शैतान और उनकी ताकतों को कैसे हासिल करें ये सब कुछ बताया गया है। ये किताब इंसानों और इंसानी समाज से दूर ही रहे तो अच्छा होगा। बताया जाता है कि इस किताब के हर एक पन्ने में शैतान मौजूद है जो अपनी तरफ किताब को पढ़ रहे शख्स को आकर्षित करता है और वो इंसान इस किताब में शैतान के रूप में हमेशा के लिए कैद हो जाता है। शुरुआत में इस किताब में 320 पेज हुआ करते थे, लेकिन बाद में इस किताब से किसी ने इसके 10 पन्नों को निकाल दिया। किताब के इन 10 पन्नों को किसने निकाला, कब निकाला और क्यों निकाला, ये आज तक राज ही है। और इसके अलावा सबसे बड़ी राज की बात ये है कि आखिर इस किताब के उन 10 पन्नों में ऐसी कौन सी जानकारी मौजूद थी जिसे दुनिया के सामने आने से रोका गया। इस शैतानी किताब की उन 10 प्रतिलिपियों को आज ढूंढना बेहद मुश्किल है, लेकिन बताया जाता है कि डार्क वेब के माध्यम से इस किताब की कॉपी को खरीदा और बेचा जा रहा है। हालांकि इस शैतानी किताब की असली कॉपी को फिलहाल क्रेज रिपब्लिक के नेशनल लाइब्रेरी में रखा गया है, जहां आज भी इस किताब पर रिसर्च चल रही है। इस डेविल्स बाइबल किताब पर नेशनल जियोग्राफिक ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। उसमें इस किताब के बारे में विस्तार से बताया गया है, इसमें क्या क्या लिखा गया है। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।